नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। बिहार में इन दिनों कोविड-19 के मरीज की वृद्धि तेजी से हो रही है। मैं बताता चलूं आपको कि 6,289 कोविड-19 के मरीज अब तक बिहार में हो चुके हैं। प्रत्येक जिले में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना में कंटेनमेंट जोन की जहां तक बात करें तो वहां 38 के बजाय 33 कर दी गई है। कुछ राहत लोगों को मिला है। देश स्तर की अगर बात करें तो 3 लाख को टप चुका है पॉजिटिव मरीजों की संख्या के मुताबिक। 10 दिन में 1 लाख मरीज बढ़े हैं। ठीक होने की भी बात कह सकते हैं। मौसम में बदलाव आया है। झमाझम बारिश शुरू हुई है। बाढ़ आने के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने हर जिले में निर्देश जारी किया और अहम बैठक करके निर्देश जारी किया कि बाढ़ आने के पहले नदियों का देखभाल किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए। वहीं बांध की रखवाली होमगार्ड के जवान करेंगे। पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंदकिशोर यादव ने पथ निर्माण के लिए करोड़ों रुपये जारी किए हैं। साथ ही साथ बिहार के अंदर फैले कोविड-19 मरीज की संख्या को देखते हुए बिजली विभाग ने भी लोगों को राहत दी है कि 30 जून तक बिल जमा करने वाले को कम ब्याज देना होगा। उधर बिहार सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि इस घड़ी में अगर बिजली कटती है और बिजली नहीं लोगों को गर्मी में मिलती है तो कार्यपालक अभियंता को बख्शा नहीं जाएगा। कह सकते हैं आप कि बिहार में गर्मी काफी है। झमाझम बारिश हुई है। मौसम बदलने की आशंका है, मगर गर्मी को देखते हुए सरकार ने निर्देश जारी किया है कि बिजली गुल न हो सके। उधर बिहार पुलिस के जवान के अंदर भी काफी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई थी 100 के करीब। कुछ उसमें ठीक भी हुए हैं और ड्यूटी पर भी लौटे हैं। बिहार के राजनीति गलियारे में राजनीति तेज हो गई चूंकि इसी साल चुनाव होना है। बिहार सरकार के नीतीश कुमार ने 6 दिन तक संवाद करके अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी काम करने की बात बताई और अपने कार्यकलाप के दरमियान किए कार्यों को प्रचारित करने का बात किया। वहीं विपक्ष के तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार छिपे हुए हैं, उन्हें अब घर से निकालने के लिए स्वयं तेजस्वी यादव जाएंगे और उन्हें उनके घर से निकाले जाने की बात कही गई है। उधर लालू प्रसाद यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि इस विपदा के घड़ी में नीतीश कुमार घर में छिपकर बैठे हुए हैं और उन्हें बाहर निकलना चाहिए। चुनाव की बात करी जाती है लेकिन गरीबों और मजबूरों की बात इस कोरोना काल में नहीं करी जाती है। तो बहरहाल यह आप कह सकते हैं कि चुनावी मौसम को देखते हुए नेतागण अपने कार्यकलाप को जारी कर दिया है और चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। कोरोना पीड़ितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है लेकिन 15 तारीख से क्वारंटीन सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है। व्यापारी व्यापार करते हैं लेकिन ग्राहक नदारद है। आवागमन के साधन में कमी होने के कारण भी लोग परेशान हैं। चारों ओर यही चर्चा है कि फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है क्योंकि 16 या 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार संबोधन करने के लिए टीवी चैनलों में आ सकते हैं। उसके पूर्व हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्तालाप जारी है। चारों ओर लोगों में चर्चा आम है। लोगों में दहशत है। कोरोना के कारण लोग घर से निकलना बंद कर दिए हैं और लोग तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि यह बीमारी जानलेवा बीमारी है, पता नहीं किसे कहां निकल जाए। बिहार में एक दरोगा सहित कई लोग मर चुके हैं कोरोना के चपेट में आने से। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी
ने लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी किया था, उन्हें तेजस्वी ने नसीहत दी थी, अब अशोक चौधरी भी तेजस्वी को नसीहत दे रहे हैं। वाक युद्ध जारी है, आगे देखना है कि चुनाव आते आते कितना वाक युद्ध चलता रहता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।